Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans, and ये मेरा दूसरा चैनल है जो awesomehouseplans.com। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और आपको भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर 8095615113, इस पर जो है आप अपना प्लान्स सेंड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आपका प्लान जो है मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ, या फिर लाइक कुछ उन लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा उन्होंने भी किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल तो हेल्प हो जाएगा। तो उससे आपका भी और आपको भी एक हैप्पीनेस मिल जाएगा, एंड जो वीडियो देखते हैं उनको भी एक खुशी मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, नया नया आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो फुल व्यू में देखिएगा, और कुछ पेड प्लान्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8095615113 पर, एंड सेंड कर दीजिए प्लान व्हाट्सएप पर। ये जो सामने दिख रहे हैं 21 फीट है इसका, एंड ऐसा लंबाई में जो है 40 फीट। मुझे भी जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये प्लान सेंड किया गया था जो आज मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ। देखिएगा जैसा ये एंट्रेंस, यहाँ पर रोड है पूरब दिशा की ओर से रोड, यहाँ पर पोर्टिको लिया गया, पोर्टिको का साइज़ लगभग 9 फीट x 10 फीट का लिया गया है। फिर वहाँ से एक गेस्ट रूम, यानी कि जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक रूम, सेपरेट रूम दिया गया, ताकि एक प्राइवेसी रह सके, या फिर गेस्ट का कोई डिस्टरबेंस फैमिली मेम्बर को ना रह सके, चाहे गेस्ट यानी कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एंड एक टॉयलेट रूम स्टेयरकेस के विद अटैच लैंडिंग के नीचे एक अटैच टॉयलेट रूम भी बना सकते हैं गेस्ट के लिए। फिर यहाँ से अंदर आते हैं, एक डाइनिंग हॉल लिया गया है, डाइनिंग कम हॉल 10 x 12 फीट का। फिर यहाँ पर एक किचन, किचन का साइज़ लगभग आपको 10 feet by 6 feet 6 inch का मिल जाएगा, एंड यहाँ पर एक टॉयलेट रूम लिया गया है। तो यहाँ पर एक बेडरूम 9 feet x 10 feet जो कि कंफर्टेबल, एंड विंडो जो ले सकते हैं आप एक नहीं तो दो, मैक्सिमम दो, दूसरा वाला विंडो जो ऑप्शनल रहेगा आपके लिए, चाहे तो एक विंडो ले सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम नंबर 2 को 10 x 10 feet का लिया गया, एंड इसमें भी दो विंडो, फिर एक विंडो बिठा लीजिए काफ़ी है। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान जो कि आज हम आपको बताया है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कॉलम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिएगा कॉलम्स, इस तरह से कॉलम लिया गया, यहाँ पर एक कॉलम, इधर दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, छठा, मतलब फिफ्थ कॉलम। सो यहाँ पर 10 आ जाएंगे, यहाँ पर 15, सो टोटल 15 नंबर कॉलम से, कॉलम का साइज 9x9 लिया गया है यहाँ पर फिलहाल। तो मेरा रिकॉर्ड के अनुसार 9x15 inch का लीजिए, ताकि बहुत सारे मल्टी स्टोरी आप रेस कर सकते हैं, बिल्डिंग करीब 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक, और सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा लोड के हिसाब से रहेगा। उसका मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज हर एक पर्सन का एक अलग अलग रहता है, या फिर लोड पे डिपेंड रहता है। तो 9x15 inch का कॉलम सही रहेगा। सरिया देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो कि कॉलम का साइज़ आप 9x15 लिए तो उसके अंदर 16 mm का एक छः रॉड डाल दीजिए बस, ठीक है, 6 रॉड डालते तो बस हो गया। यार लाइक शेयर सपोर्ट कर दो खाली, बस उतना ही। एंड इस पे इसी तरह से मिलते रहेंगे, और अच्छा प्लान्स चाहिए आपको या फिर एक अच्छा वॉक थ्रू देखना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है लाइफ इज ऑसम सिविल, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।